तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसने हमारी जान बचाई है, बिकॉज अभी तक महुआ की जान बचाई है, मेरी जान बचाई है, तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बट बाद में इसका एजेंडा कुछ और ही होता है जो हमें पता नहीं है। सो अभी तक तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंसान है। आप बताइए, ये बहुत मदद कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है और जान बचा रहा है मेरी, और हमेशा हेल्प करता है। अभी तक तो वो बहुत अच्छा है हम दोनों की नज़रों में। फिर भी जैसा कि मालूम है कि उनका जो भी रवैया है वो शायद पूरी तरह पॉजिटिव में, ग्रे शेड में आए हैं वो, तो उनके इस कैरेक्टर के कारण क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद लेकर आपको लगता है कि आए हैं और किस तरह से वो एक्ट करेंगे? हमें तो पता है कि क्या मकसद लेकर आए हैं, बट ऑब्वियसली अभी ऑडियंस को हम वो बता नहीं सकते हैं। आई होप वो देखे और ये जाने, बट अभी तक हमारे सामने उन्होंने कोई ग्रे शेड नहीं दिखाया। अभी तक तो पॉजिटिव और भले इंसान जो हमारी मदद कर रहे हैं, एंड महुआ की मदद कर रहे हैं, परिवार की मदद कर रहे हैं, तो हमने तो उन्हें घर में भी इनवाइट कर लिया कि आओ हमारे साथ लो। तो अभी उनका ग्रे शेड और उनका एजेंडा कुछ और है, तो वो आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। एज अ एक्टर या एज एन इंडिविजुअल आप कितना एंजॉय करें उनके साथ वर्क करना, कैसा क्वेश्चन है आपके बीच में? करण के साथ पिछले शो में सेम ट्रैक ही कर चुका हूँ, बहू बेगम जो मेरा शो था कलर्स पे, उसमें भी करण आए थे एंड सिमिलर ट्रैक था, तो इट्स लाइक अ डेजा वू, रिपीट हो रहा है। तो मज़ा आ रहा है शूट करने में। एडिशनल कैरेक्टर जो नया कैरेक्टर होता है कोई भी, तो कितना ज़्यादा लगता है व्यूअर्स को खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि वो एक एंट्री जो होती है बहुत एक्साइटिंग होती है। वो सब तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर कितने व्यूअर्स को खींचता है, वो तो स्टोरी पर डिपेंड करता है एंड कितना ग्रिपिंग है आपका स्टोरी एंड ड्रामा व्रामा कैसा, उस पर डिपेंड करता है। कैरेक्टर्स तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। कैरेक्टर बदल गया है ये किसने बोला है? रमेश ठाकुर तो यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी बवाली मचा रहा है और सबको परेशान करके नाकों चने चबवा रहा है। मतलब अच्छाई नहीं थी शुरुआत में ही, वैसे थे या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा कैरेक्टर हमेशा से नेगेटिव था और बहुत बड़ा वाला नेगेटिव था, और आगे आप देखेंगे तो और ज़्यादा बड़ा वाला नेगेटिव आपको मिलेगा और सबकी धज्जियाँ उड़ाएगा। तो पर्टिकुलर बताइए क्या सीक्वेंस हुआ और ये जो सीक्वेंस है ये कितना ज़्यादा आकर्षित करने वाला है लोगों को? डेफिनेटली बहुत आकर्षित करेगा जी, तो किसी भी शो में जब कुछ ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं तो काफ़ी कहीं ना कहीं पब्लिक को टच करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सीन हम शूट कर रहे हैं ये भी पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, बहुत गालियाँ मुझे मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वही मेरा अप्रिसिएशन है कि बीइंग एज एन नेगेटिव एक्टर, अगर आपके काम की लोग आपके काम से लोग घृणा कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आप सबको काम पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया।